ये जेल की रौनकें बढ़ाएंगे, ये जेल का खाम माल है, ये जेल में इंशाअल्लाह ताला कौम को पता लगेगा, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, दस केसेस के कौम को इन्होंने किस तरह लूटा और सब कौम के सामने बेनकाब होंगे। जी सर, पहला सवाल इधर से। बस सर, रेलवे के जो मुलाजमीन का आपने बताया है, जिनका आपने ट्रांसफर किए, उनकी कितनी तादाद है जो इसमें मुलाजिम? बहुत मामूली तादाद है, सिर्फ अभी हम मैं आके बैठ गया हूँ केसीआर की वजह से कराची में, और 15 दिनों के बाद आया करूंगा। एक दिन मुझे लाहौर हेडक्वार्टर बैठना पड़ता है, मैं लाहौर का आधा हेडक्वार्टर कराची शिफ्ट करना चाहता हूँ। असल शहर, असल हब और असल काम रेलवे का कराची में है, लाहौर सिर्फ डिबेटिंग क्लब है। एक इधर फिर आपके पास जी, और छोड़ो तलाल चौधरी, मेरा ये लेवल नहीं है। सिगार मैं अपने साथ लेकर कराची आता हूँ और यहाँ मिल भी जाते हैं। जहाँ तक बिलावल है, उसने कहा मैं वहाँ नहीं जाऊँगा जहाँ शेख रशीद होगा। हालांकि पता नहीं मुझसे क्यों डर रहा है वो, मेरे में तो ना मेरी डर वाली उम्र है ना मैं अब शरारत का कोई अंसर मेरे अंदर है। अब वो क्यों डर रहा है, अल्लाह ही जाने कौन बशर है। मैं तो, अगर मुझे वो कहता, मैं तो इस मुल्क में वाहिद आदमी हूँ जो समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान की सियासत में एक मुस्बत रोल अदा कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने फैसला ही कर लिया है कि जहाँ मैं हूँगा वहाँ नहीं आएंगे, तो मैं तो कौमी असेंबली में भी हूँ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बताइएगा, मेरा काम था बता देना, जहाँ एपीसी जलसा करेगी मैं वहाँ पे खुद जलसा करूंगा। ये जो 30 कैमरे लगे हैं, इसी का नाम जलसा है। ये सारी कौम को बेवकूफ बनाते हैं। वो वक्त खत्म हो गया कि 5,000 लोग होते थे तो बताते थे 50,000 लोग हैं। 50,000 तो कभी इन्होंने ख्वाब में भी नहीं देखे। इनका एक ही काम है कि मदरसों के तुलबा को वरगलाना। भाई अब मैंने टाइम से शुरू किया, अब जो आए हैं कैमरा मैन, ये ना लगाएं, ये नए कैमरे ना लगें। अब एक सवाल करो ना यार, रजिया भट्ट का नावल लग, तमाम पैसे 6 अरब रुपया पेंशन वालों के लिए और तनख्वाह वालों के लिए, 4 महीने हम बंद रहे हैं, 4.5 महीने कोई रेल नहीं चली, कोई फ्रेट समुद्र पे, कोई जहाज नहीं आया, उसकी वजह से हमें माशी बहरान है। इंशाल्लाह इनको क्लियर करें। अभी हैं 5 मिनट हैं आप। पार्टियों की क्यादत को पहली मर्तबा 2 सालों के बाद एक मीडिया पर लाया गया और उनकी कवरेज हुई है, बड़े पैमाने पर उनकी कवरेज हुई। से दिया जा रहा है कि मौजूदा जो हुकूमत है उनकी जो है वो बड़े लोगों के साथ नाराजगी है और दिन गिने। कोई बड़े लोगों के साथ नाराजगी नहीं है। बड़े लोग जिनको आप कंधे पे उंगली रख के इशारा कर रहे हैं, पाकिस्तान की अजीम तरीन दुनिया की अफवाज और मौजूदा हुकूमत एक पेज पे है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने हर बयान से यूटर्न ले लिया, सिवाय उन बयानों के जो उन्होंने माजी में फौज के खिलाफ। यार शॉर्ट स्मार्ट, मैं ट्रिपल एस लीडर हूँ, आसान छोटा सा सवाल करें। फौज के खिलाफ जो बयान दिए थे उन पर वो कौन से माफी मांगेंगे, यूटर्न लेंगे, उन पर डटे हुए? इमरान खान डटे हुए हैं चट्टान की तरह, जहां भी डटे हुए हैं डटे रहेंगे और इनको नकेल डालेंगे और इनके गिर्द घेरा तंग होगा। इमरान खान इनको आईन और कानून के तकाजों के मुताबिक इनकी असल जगह पे पहुंचाएंगे। यस सर, अभी हैं 3 मिनट भाई, ठीक। छोटी मोटी बातें हैं, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। अल्लाह ताला, इतना बड़ा कौम की तजहीक हुई है, अल्लाह ताला इस मुल्क को इखलाक की बुलंदी अता करे और वो मुजरम पकड़ा जाएगा बिल आखिर एक दिन। आज मैंने 7 ट्रेनें जो हैं वो प्राइवेट दे दी हैं पैसेंजर्स को, 6 ट्रेनें, 17 ट्रेनों का और टेंडर कर रहा हूँ, 500 कोचेस फ्रेट की एक प्राइवेट पार्टी को दे दी हैं, उनको अलाट कर दी हैं, 250 ट्रेनें वैगन्स जो है एक पार्टी को दे दी हैं और 150 एक को दे दी हैं। मैं चाहता हूं कि रेलवे का असर जो है करप्शन को खत्म कर दिया जाए। इनके साथ
जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट हैं ये इनके निशान लगे होंगे प्राइवेट पार्टियों के कि ये फलानी प्राइवेट पार्टी की वैगन है। हम रेलवे को बीच में से निकालना चाहते हैं, ये वैगनें होती हैं तो कस्टमर को कह देते हैं वैगन कोई नहीं है रिश्वत लेने के लिए। सो हम एक ऐसा निज़ाम लाने लगे हैं 17 ट्रेनें पैसेंजर और प्राइवेट सेक्टर को देने जा रहे हैं। आज मैंने 3 वैगनें कल और आज प्राइवेट 3 ट्रेनें प्राइवेटों को दी हैं, एक दो चलाएगा, 2 आदमी एक एक प्राइवेट ट्रेन टाइम टेबल पे चलेगी। जी सर, छोटा सवाल, सर नवाज शरीफ के पास कोई और, नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आने के लिए अपना जमहूरी गला खुद दबाया है, उसने फैसला कर लिया है कि उसने बाकी जिंदगी लंदन में गुजारनी है, उसने फैसला कर लिया है कि उसका पाकिस्तान की पाक अफवाज पर जो हिंदुस्तान का बयानी है वो नवाज शरीफ पेश कर रहा है, और आज वो कह रहा है मेरी इमरान खान से लड़ाई नहीं है किसी और से लड़ाई है। ज़ियाउल्लाह के जूतों में पलकर जवान होने वाले लोग, ज़ियाउल्लाह की गोद में चूसनी चूसने वाले लोग, वो अपने आप को फौज के खिलाफ कैसे कर सकते। अब नया कैमरा नहीं लगेगा भाई, सवाल कर सकते। जी आपका सवाल हो गया, फिर आऊंगा। जी सर, मैं आपका सवाल, सर मैंने तमाम डेवलपमेंट ML1 पे खत्म कर दी है, सखर, कराची, रोड़ी, मुल्तान, क्योंकि एक नया सिग्नल सिस्टम आ रहा है। अब मैं इस पर पैसे लगा के हराम करूंगा और 45 दिन बाद इन पे काम शुरू हो जाएगा 2 महीने पर, ये इसको रेलवे वाले फिर उखेड़ेंगे, अभी कहेंगे इतने करोड़ रुपया लग गया। जिसने मौजूदा ट्रैक पर 1 रुपया लगाया मैं नैप में केस दे दूंगा। अच्छा ये बताइए, आप 10 सवाल जो है नवाज शरीफ से पूछे हैं, उस 10 सवालों के जो आपने पूछे उस वक्त तो आप नवाज शरीफ के साथ थे, उसामा के साथ वो मिलते, इसीलिए तो मैंने बताए हैं कि मैं साथ था, नहीं तो उसके जवाब आप खुद भी तो नहीं, मैं मेरा लेवल नहीं था कि मुझसे उसामा बिन लादन मिले। पीपल्स पार्टी वालों ने कहा है अभी मुर्दाबाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि वफा की गवर्नमेंट यानी पीटीआई की गवर्नमेंट ने चंदा लेने के अलावा कुछ नहीं किया, वजीर आजम जिस चीज का नोट, यार मुख्तसर सवाल, मैंने आपको कहा 10 मिनट में मैंने खत्म करनी होती है, 2 मिनट रह गए। देखें ये बात सियासत में लोग करते हैं, मेरी मुराद अली शाह के साथ मैं मिल के ये ट्रेन चलाऊंगा, मैं नहीं चाहता, अगर उन्होंने चलानी हो वो चला लें, उनको भी बना के दे के उनके हवाले करने के लिए तैयार है, हालांकि मैंने खान साहब से नहीं पूछा अभी, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि रुकावट ना खड़ी हो, उनके ब्रिजेस निकल जाएं, उनके 24 फाटक सीधे हो जाएं, हम ट्रेन का इफ्तिताह कर दें यहां से। एक मिनट यार, आपका 2 सवाल हो गए, इंशाअल्लाह ताला 1100 पैकेज मिलेगा और ये सारा कचरा शचरा भी उठ जाएगा जो नजर आ रहा है। आपका 1 सवाल हो गया, लास्ट सवाल, अच्छा 2 सवाल हो, अच्छा इमरान खान की हुकूमत आने से पहले किसी चीज पर 2 रुपए भी बढ़ते थे तो कहते वजीरन और आज तो 20-20 रुपए बढ़ दे। देखें मेरे भाई, अल्फाज पार्लिमानी इस्तेमाल करें, मैंने अपोजिशन के लिए भी पार्लिमानी जुबान इस्तेमाल की है, सवाल करने वाले साफी में इतना जर्फ होना चाहिए क्योंकि ये लाइव जा रहा होता है, वो जबान पार्लिमानी हो। किसकी वजह से महंगाई बढ़ी? उन्हीं चोरों, लुटेरों, डाकुओं, करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगेज, स्टूपिड किस्म के लोगों ने जो दौलत के महल बार ले गए, जो आज ट्रायल हो रहे हैं। सर ये बताइएगा कि 500 अफसरान रेलवे के जो है रिटायर हो गए हैं, नफरी की जो है तादाद कम होती जा रही है, क्या आने वाले टाइम में ये रेलवे पुलिस को दम करा जा रहा है या क्या किया जा रहा है? देखें हमारे पास आ गई बहुत एक्स्ट्रा स्टाफ है, चीफ जस्टिस साहब शुक्र करें यही स्टाफ बहाल रहने दें, सो अभी हम कोई भर्ती और नहीं करें, ML1 पे 1.5 लाख लोग भर्ती कर रहे हैं, ML1 की तनख्वाह चीन ने देनी है, ML1 की तनख्वाह के लिए हमने बजट में पैसे रखने की जरूरत नहीं है, 90% पाकिस्तानी होंगे, 10% चाइनीज होंगे, 90% पाकिस्तान के लोग होंगे, इंजीनियर होंगे, 10% जो है पाकिस्तान पैसा देगा, हमने दरख्वास्त ये किया कि 1% उसका जो बैंक इंटरेस्ट हो, आगे हमारी मुजाकरात जा रही हैं, कल भी उनसे बात। जी बेटे लास्ट क्वेश्चन, अच्छा एक और ले लूंगा, सेकंड मैं आपसे इत्तफाक करता हूं, उस प्लाजे को आज मैंने रुकवा दिया है, ऐसी नाम लेने की जरूरत नहीं, लाइव जा रहा है,
उसको मैंने शहबाज पुलिस एसपी को कहा सुबह वहां कोई काम ना हो उस प्लाजे में। लास्ट रेलवे की जो ट्रैकिंग ऐप है बड़ी सहूलत है लोगों के लिए, लेकिन ये अभी तक रेलवे टेक ओवर नहीं की, प्राइवेट पार्टी चला रही है। हमने उसने पैसे नहीं दिए, वो मुदस्सर बहुत अच्छा आदमी है। एक शख्स ने रेलवे को वो ये इसे क्या कहा आपने, ये जो ट्रैकिंग ऐप बनाई है, अल्लाह ताला उसको बरकत डाले, 27 लाख उसके व्यूअर हैं, हमने एक रुपया नहीं दिया। आप बनाना चाहते हैं आपको भी इजाजत है, हमने हम नहीं करते टेक ओवर। ये रेलवे जिसको टेक ओवर करेगी तबाह कर देगी। थैंक यू वेरी मच। ये जिस